नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूँ राधिका शर्मा आप सभी के साथ, और आज हम चुनावी चर्चा में बातचीत करेंगे कि किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। संभव है कि आने वाले फरवरी महीने में ये चुनाव जो हैं हो सकते हैं, और बात कर रही हूँ मैं इस वक्त जिला परिषद के चुनाव की, पंचायत के चुनाव की बात कर रही हूँ, ब्लॉक समिति के चुनाव की बात कर रही हूँ, तो मैं इन सभी चुनाव की बात कर रही हूँ। हालांकि ये वक्त इस समय पर आप देखेंगे कि कहीं भी आप गांव में जाइए, जो भी भावी उम्मीदवार है उन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं करना शुरू भी कर दिया है, और अपने कामों को भी बताने लगे हैं कि हम इस तरह से ये काम करवाएंगे। अपने मैनिफेस्ट को कहीं ना कहीं रिटन में ना सही लेकिन वर्बली ज़रूर बताने लगे हैं। तो ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव करहंस में, समालखा ब्लॉक का यह गांव है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के जो पूर्व सरपंच रहे हैं, इनका नाम है यशपाल शहरावत। तो इनसे आज हम जानते हैं कि ये 5 साल का जो कार्यकाल है, इससे पहले जो इनका कार्यकाल रहा था उसमें कौन कौन से काम इन्होंने करवाए थे और कौन कौन से काम इनके अधूरे रह गए थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठीक है सर, देखिए आप ये बताइए कि जो आपने इससे पहले आप चुनाव यहाँ के सरपंच रहे थे, तो उस समय में कौन कौन से काम आपने करवाए थे और कौन कौन से काम अधूरे रह गए थे। विकास की तो बात ये है जी, ये विकास तो चलता ही रहेगा। पहला तो मेरा मकसद हो अभी 36 बरादरी का मान सम्मान हो, और फिर विकास तो जी मैंने गांव में चारों तरफ कभी फिरनी नहीं बनी थी। 60 साल से सरपंच रहे, 60 साल हो गए थे तब तक पानी जोड़ों में कभी फिरनी बनवाई मैंने, कभी फिरनी थी। गांव में निकलने का रास्ता नहीं था, एक गली बंद हो गई तो पूरे गांव के चारों तरफ से घूम के आना पड़ता था। तो अब जब चारों तरफ को मैंने फिरनी बनवा दी, और विकास कर में कोई गली नहीं छोड़ी, कोई डिस्पेंसरी बनवाई, डिलीवरी हट बनवाए, बहुत सारी विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने दी। जितनी भी पक्की गली करवा, टोटल 95% गली मैंने पक्की करवा दी थी अपने कार्यकाल में। ये बताइए आप कि क्या आपके कार्यकाल में भी जो गांव का जोहड़ है, इसकी समस्या कुछ ऐसी ही थी जैसी अब देखने को मिल रही है? क्योंकि पूरी तरह से जो जोड़ है वो बहुत ही ख़राब हो गया है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं इस मुद्दे को हमेशा उठाती आई हूँ कन्हंस में, कि मंदिर के बिल्कुल सामने जो जगह है उस जगह पर हमेशा ही कीचड़ जमा होता है और सफाई बिल्कुल नहीं होती वहाँ पर। ना मेरे कार्यकाल में बिल्कुल पूरा गांव साफ सफाई रहती थी, पूरे गांव में ऐसा मौका नहीं मिलने देता था मैं कहीं सफाई ना हो। तो इस अगर आप इस वक्त मैं बातचीत करूं कि आने वाले जो सरपंच के चुनाव है, इसमें भी आप दोबारा से मतलब कि चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं, इसकी जानकारी जैसे हम सभी को है, तो ऐसे में आप आने वाले समय में क्या कुछ नया करना चाहते हैं? पहली तो बात यह जी, इलेक्शन ही तो अगर गांव 36 बैदरी मेरे को चाहेगी तो इलेक्शन लड़ूंगा मैं। और विकास कार्य की तो बात है जी, विकास कार्य तो करवाने हैं जी, जब सरपंच बनेंगे तो पहले भी करवाए हैं, गांव को पता भाई कौन विकास करवा सकता है, इसमें तो दोहराए जी। मेरे काम है जी, हमने 100 गज के प्लाट काटे थे, उसके वहाँ अब तो गली नहीं बनी है, हमारा लास्ट में कटे थे सब क्लियर हुए थे। अब उस पहला तो उद्देश्य रहेगा जी, 100 गज के प्लाटों में बिजली पानी और गलियों नई गलियाँ बनाई जाएंगी, वहाँ ट्यूबल लगाया जाएगा पब्लिक हेल्थ से, और विकास कार्य जी जो दूरे रह रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूँ तो एक बात ये भी आ जाती है कि जो BPL के परिवार थे उनको प्लॉट्स वगैरह दिए गए थे, अलॉट किए गए थे 2007-08 में, वो शायद आपका ही कार्यकाल रहा होगा। 2014 मैंने रजिस्ट्री करवाई थी, 13-14 में। ठीक है। हाँ, 13-14 में रजिस्ट्री करवाई थी उनकी। उनकी आपने करवाई थी? हाँ जी हाँ। तो सर उन परिवारों को अभी उन पर मकान बन गए हैं? ना जी, वहाँ नहीं बने मकान, वहाँ बने नहीं, पैसे भी आए थे वो तेरे परिवार के, उन्हें गांव में मकान बनवाए, पैसे तो BPL परिवार के 100 गए पर 100 जिसने भी BPL कार्ड थे मेरे टाइम में सभी के मकान बनवाए थे मैंने, वो मकान वहाँ गांव में जगह थी उन्हें वहाँ ही बनवाए थे अपनी जगह में। अच्छा,
जी, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेके कि किस तरह से आप अपने जो गांव है, आपका जो अपना परिवार है पूरा गांव, इसको किस तरह से आने वाले समय में किस एक कौन सा नज़रिया देना चाहते हैं कि पब्लिक इसको किस तरीके से देखे? मेरा पहला उद्देश्य तो ये रहेगा जी, जो भी गरीब परिवार है गांव में उसका पीला कार्ड बनवाया जाएगा, पूरा सर्वे करके जी, कोई आदमी नहीं रहने दूंगा जी, एक भी आदमी, जो भी गरीब परिवार है सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा गरीब परिवार को बीपीएल कार्ड उसको अनाज मिले। पीला दोगे या फिर गुलाबी? ये तो जी जो नंबर वन होगा वो देंगे, जो नंबर वन होगा जी हाँ। क्योंकि दो कार्ड हो जाते हैं ना, इसीलिए जिसमें सारी सुविधा मिलेंगी जो कार्ड बनवाओगे वो कार्ड बनवाया जाएगा। इसके अलावा गांव को डिजिटल किया जाएगा जी, पूरे गांव में चारों चौराहे पे वाईफाई लगाए जाएंगे। अच्छा जी, तो वाईफाई का सिस्टम आपने सोचा हुआ है? हाँ पहले से ही सोच रखा जी, तो खिलाड़ियों के लिए जी पहले भी करवाया था मैंने, पूरा स्टेडियम भर दिया था, पूरा स्टेडियम में पूरा सामान जिम का रख दिया था मैंने, तो सारा ख़राब कर दिया जी, 10 साल हो गए वैसे वो रखे सामान, 10 साल में तो वैसे भी ख़राब हो जाए, दोबारा से पूरा सामान शिफ्ट करा देंगे। लेकिन एक चीज़ हमने हमेशा अक्सर देखी है कि काम तो करवाए जाते हैं लेकिन उनकी देखरेख कभी कोई नहीं कर पाता, तो अगर आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद अगर भगवान ना करे उसके अगले बार आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आपने जो चीज़ें समेट के रखी थी उनकी जो देखरेख है वो किस तरह से रहे, अच्छी रहे? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि सामान चोरी हो जाता है कहीं से कुछ कहीं से कुछ, तो इसका एक कहीं ना कहीं कारण यही होता है ना कि उसकी देखरेख नहीं हो पा रही है, तो उसको कैसे आप करेंगे, इसको कैसे रोकेंगे? चोरी बहुत होती है, जो सरपंच जो पंचायत का सामान होता है उसकी बहुत ज़्यादा चोरी होती है, उस चोरी को आप कैसे रोकेंगे? उसके लिए जी स्पेशल एक चौकीदार लगाया जाएगा तभी चोरी रुक सकती है, वैसे तो रुक ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी भाई, अगर तूने ये चोरी करवा रही तो इस सामान की भरपाई तूने करनी पड़ेगी, ऐसे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती जी, ये तो दिक्कत जब आ है जब कोई संभालना नहीं होता तो फिर तो चोरी हो गई है, तो अभी संभालने वाला ही नहीं होता ना कोई? हाँ ना ना, मेरे टाइम में चौकीदार था जी, मैंने पूरी संभाल के रखा पूरा सामान था जी बिल्कुल मेरे टाइम में। हाँ मैंने तो अपना पूरे गांव में जी अपने घर की जैसे अपने घर मकान बनाते ना ऐसे गली बनवाई है खड़े होकर, पूरे गांव में देख लो ऐसी ईंट लगी पाए तो पूरे हल्के में कहीं जी, जो ईंट देख सकते हो आप। लेकिन अभी जब हम मैं गांव में काफ़ी घूमी हूँ गांव करहंस में, तो इसमें मैंने युवाओं से बात की थी, तो स्टेडियम का जो रास्ता है उसको सही नहीं बताया जा रहा, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? मेरे पास लास्ट में कोशिश की मैंने, पहले तो पुली तो मैंने बनवा दी उसमें सामने रास्ता का, अब गांव से नदी के ऊपर का जाता जी रास्ता मैं सीधा जाता, उसको कोशिश किया जी उसको बनते ही बनवा जाएगा 100% बनवा जाएगा जी रास्ते को, हाँ 100% जी, पर वो काम मैं कर सकूँ जी, और गांव नहीं पता जी विकास कार्य कौन कर सके। लेकिन जोड़ का कैसे निपटारा करेंगे आप? जोड़ का जी मन तो एक और खोद दिया था, जोड़ एक और बना दिया था, जोड़ की सफाई करेंगे पूरी, मैंने तो पहले भी कब्जे छटवा, जोड़ में बहुत बुरा हाल था, पानी यहीं खड़ा रहा अगर दगड़िया मैंने उसको छटवार फिर सीवर दबवा का अगर दूसरा नया जोड़ खोद गया उसमें पानी डाल लिया, और इब तो जो संभाल तो ऐसे है जी सरपंच का काम है जी पूरा काम विकास करना, पर सरपंच जी मजे के लिए ज़्यादा बनते हैं काम के लिए कम बनते हैं जी, मेरा तो यही रहता है जी मैं काम कर सकूँ जितना भी हो जाए। चौधर मिल एक गांव की चौधर का बहुत मैटर करती है गांव में चौधर होना, ये भी ना ना जी ना ना जी चौधर का कोई मैटर नहीं जी, ना 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 चौधर को तो कोई चौधरी को तो बनाते हैं जी, जो चौधर करने की कोशिश करता है उसको नहीं सरपंच बनाता गांव कभी भी, 36 बरातरी उसको ही बनाती है जो गांव का, हाँ सबको साथ मिलकर चलेगा और सब ये काम करेगा, ये तो जी बरसाती मिंडक आए जाए सीजन में मैंने 10 साल हो गए जी आज भी सेवा कर दे गांव में, कोई 36 बरादरी गरीब आदमी कोई नहीं कह दे भाई मैंने तुम्हारा 10 रुपये लुआए हो कहीं, कोई भी गांव में कह सकता, चैलेंज करो जी इस बात का। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनको क्या आप कुछ खास सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे? लड़कियों के लिए कोशिश रहेगी जब अच्छी पढ़ाई कर दिलवाई से गाँव में कोचिंग सेंटर खुलवा जाए जी पंचायत की तरफ से, कोचिंग सेंटर तो जिससे अच्छी अच्छी उसे कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई करके
अच्छी नौकरी मिल सके गाँव की बच्ची लड़कियों को। तो आप ये कोशिश करेंगे? हाँ कोशिश करेंगे जी। और स्कूल हैं जी, उन पे भी दो दो सरकारी स्कूल हैं, एक लड़के का है एक लड़कों का। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ बुज़ुर्गों की, तो आज बुज़ुर्ग कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार है, मतलब व्यवहार की भी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो उनका समय था वो एक अलग ही समय था, उनके बिल्कुल विपरीत उनका समय आ गया, वो आज का जो समय है उसको पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बुज़ुर्गों के लिए क्या कुछ खास करेंगे आप? बुज़ुर्गों के लिए तो जी मान सम्मान ने सबसे अच्छी तो बात मान सम्मान होना चाहिए जी बुज़ुर्गों का। नहीं उनका ना अब हमेशा एक टाइम पास करना सरपंच मतलब पंचायती जो चौपाल होती है उस पर टाइम पास करने के लिए वो लोग ताश खेलते कुछ करते हैं, लेकिन उनके टाइम को ना एक इस तरह से यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। इन अगर मैं बात करूँ आज के जो लोग हैं उनकी डिमांड रहती है कि उनके टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए कि उनको ना घर बैठे कुछ दो पैसे की अर्निंग भी हो जाए, कि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। पेंशन तो सरकार ने कर रखा जी, पेंशन दे रही है बुढ़ापा पेंशन है, और तो घर सब कुछ रोटी पानी का काम चली जाता जी, घर से सब सेवा कर रहे हैं ऐसे तो जी गांव में। बिल्कुल। और मेरी यह रहेगी जी अगर पेंशन है ना जी, जो है बच्चे बहुत तंग हो जी, मेरे टाइम में ऐसा था बस कोई बूढ़ा नो नहीं कहता भाई बेटे पेंशन पहुँचा दे, बस पेंशन ओड़ी पहुँच जाए घर पहुँचा दिया करता जी मैं, ऐसा रहा है। और अब पेंशन के लिए धक्के खा रहे खाने पड़ रहे हैं बूढ़े को। ये मेरी कोशिश रहेगी गांव में पेंशन मिला करेगी पूरे गांव, जैसे बाहर जाना नहीं पड़ेगा शहर में, जैसे कोई बैंक में कह दे भाई बैंक में जाइए तो कोई स्पेशल आ करा जी, चार दिन सारा दिन रहेंगे, चार दिन गांव में बांट रहेंगे पेंशन, चाहे आओ तो बैंक वाला आओगा बैंक वाला गाँव में बांटेगा। इतनी तो सरपंच को जी करना भी चाहिए जैसे बुज़ुर्गों के लिए परेशान नहीं हो, अरे इतना कर भी सकता है जी सरपंच कर सकता है इतना, बैंक वाले आवे अगर कोई बूढ़ा दिक्कत है तो उसको घर जाकर देख आ सकते हैं। बिल्कुल। क्या कह रहे हो? खेतों के जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं, उनको अभी तक पक्का नहीं बनवाया गया है, जबकि इस प्लान में कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो विलेज हैं उनमें जो खेतों के रास्ते पक्के हो गए हैं, लेकिन गांव करहंस का रास्ता अभी भी कच्चा ही है। तो उसको लेकर किस तरह से आप कहेंगे कि कितने टाइम तक आप इसको पक्का करवा देंगे? ऐसा है जी रास्ते गांव में तो काम में नहीं रह रहे, अब तो रास्ते का काम है जी, पहले काम ये रहेगा हर एक कोई रास्ता कच्चा ही नहीं छोड़ेंगे जी। मैं तो पहले भी शुरुआत तो कर दी थी जी, 1.5 किलोमीटर टुकड़ा मैंने बनवा भी था खेतों का, फिर टाइम चलेगा मेरा जी बहुत कन्नू मान लियो ये तो 100 साल का इतना खर्चा हो रहा था कति हो गया काटे 5 साल में जी, तो गांव भी गवाह है भाई पूछ सको आप अगर भाई किस काम करे इसने, तो अब खेता कोई रास्ता कच्चा नहीं रहेगा जी मेरे, अगर राम नर भगवान नर गांव ने मौका दिया तो इसमें कमी नहीं आओगी कि पूरे विकास के तो जी गाँव वाला ने पता भी है अगर सच्चाई तो है जल्दा तो कोई कुछ कह दो पर काम के उस मदन कहें भाई दोबारा ये आना चाहिए। और खासकर गरीब आदमी तो इतना खुश है जी, गरीब आदमी तो नू कहे बस इब कोर तेरा मौका है, मैं नू कहूँ भाई बनाए दे भाई तुम ना दिक्कत नहीं आने दूँगा कति, गरीबा की सेवा तन मन धन से कति नू खड़ा हो करूँगा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमने आपको दिखाया था कि गांव में कितनी ज़्यादा समस्या है, उसको लेके काफ़ी उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी अपने दावे कर रहे हैं कि वो काम को किस तरह से बेहतरीन तरीके से करके दिखाएंगे, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा कि आखिरकार चुनाव में जीत किसे हासिल होगी। बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।